देखिए हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, इसका नाम क्या है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में क्या है, एक एकीकृत जुडिशरी है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर में कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का हायर कोर्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और ये कितना है इंडिया में, एक ही है, दिल्ली में है। और इसके नीचे राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट है। अब राज्य टोटल कितने हैं हमारे यहाँ, लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं, केवल 24। अब आपसे पूछे कि हाई कोर्ट का मेंशन संविधान के किस पार्ट में, हिंदी में पार्ट को भाग कहते हैं, तो किस भाग में है, तो भाग 6 में। किस अनुच्छेद या आर्टिकल में है, तो आप कहोगे आर्टिकल 214 से लेकर 232 के बीच किसका मेंशन है, हाई कोर्ट का। तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। अब इंडिया का पहला हाई कोर्ट कहां बना, कब बना, तो आप कहोगे सर 1862 में, 1862 में इंडिया में तीन जगहों पर पहला हाई कोर्ट बना। सबसे पहले कोलकाता, फिर बंबई और उसके बाद मद्रास। ये तीन जगह पर 1862 में हाई कोर्ट बन गया। उसके बाद 1866 में कौन सा आ गया, इलाहाबाद। और फिर दूसरे राज्यों में इसी तरह से आते गए हाई कोर्ट, ठीक है। तो कम से कम इन चार हाई कोर्ट का तो सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे झारखंड में रांची हाई कोर्ट कब बना, रेनु बताएगी, झारखंड में, या चलो तुम बता दो उत्तराखंड हाई कोर्ट कब बना, आप उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट कब बना, उत्तराखंड स्टेट कब बन रहा बाबू, तो 2000 में क्या बनेगा, उसका हाई कोर्ट भी बनेगा। झारखंड का हाई कोर्ट कब बना, 2000 में। तो जब स्टेट बनता है उसके साथ साथ उसका क्या होता है, हाई कोर्ट भी बन गया। तो इंडिया में पहले ये तीन हाई कोर्ट थे 1862 में, 1866 में कितने हो गए, इलाहाबाद को लेकर, यानी इलाहाबाद बन रहा है। और आप देखोगे 2009-10 तक हमारे यहाँ सिर्फ 21 हाई कोर्ट थे, लेकिन तीन नए हाई कोर्ट बन गए और अब कितने हैं, 24 हाई कोर्ट हैं। जो तीन नए हाई कोर्ट बने थे उसके लिए कोडिंग क्या है, TM2। T4 क्या होगा, त्रिपुरा, और M2 से क्या होगा, मेघालय और मणिपुर। तो इंडिया में ये हमारे क्या हैं, अभी टोटल 24 हाई कोर्ट हैं। लेकिन इंडिया में तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र, जिनका जुरिडिक्शन एक से ज़्यादा राज्यों में है। देखिए पिछले सालों में एग्जाम में स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि पहला स्टेटमेंट, इंडिया में वर्तमान में 24 हाई कोर्ट है, पहला कथन, पहले देता था 21, अब कितना देगा, 24। और दूसरा स्टेटमेंट देगा, वर्तमान में तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। अब पूछा जाए वो कौन से हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है, कौन से हैं, एक तो आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पंजाब और हरियाणा दोनों में है। दूसरा आपका मुंबई हाई कोर्ट, जिसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा में भी है, क्योंकि पणजी में उसकी पीठ है। और तीसरा गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसका अधिकार क्षेत्र आसाम के साथ साथ नागालैंड और अरुणाचल जैसे राज्यों में भी है। तो तीन ऐसे हाई कोर्ट हो गए जिसका अधिकार क्षेत्र क्या है, एक से अधिक राज्यों में। और इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, तो आप कहोगे सर इंडिया में 24 हाई कोर्ट है। हाँ बताइए, मिजोरम हाई कोर्ट, देखो इंडिया में हाई कोर्ट अभी जो तीन बना ना, सेवन सिस्टर में किसके लिए, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। मिजोरम के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, नागालैंड के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है गैंगटोक। यानी पहले सिर्फ गुवाहाटी था और गैंगटोक हाई कोर्ट था, हाँ, लेकिन अब क्या है, गुवाहाटी का तो अलग था ही पहले से, सॉरी गैंगटोक का, और आसाम वाला गुवाहाटी अब किसके किसके लिए है, नागालैंड के लिए। यानी जो बच गया TM2 में, तो TM2 में कौन बचा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और कौन बच रहा है, मिजोरम और आसाम। तो इन सब का, चारों का कंबाइंड हाई कोर्ट है, जिसका नाम क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो ये स्टेटमेंट पिछले सालों में IAS के एग्जाम में भी आया है, तो आप ये तो एक्सेप्टेशन रखिए, SSC NDA में तो 110% आएगा। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, वर्तमान में एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में है। क्लियर, अब आओ अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति कैसे होती है। तो मैंने बताया था हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति, चाहे वो CJ हो, मुख्य न्यायाधीश, या वो अदर जज हो, अन्य न्यायाधीश,
इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन सीजे के अपॉइंटमेंट में, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में, राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस क्या करेंगे, किसकी सलाह? उस राज्य के गवर्नर। इन दोनों के कंसल्टेशन के बाद, इन दोनों से क्या है, सहमति के, आप कह सकते हैं आपसी परामर्श के बाद या सलाह के बाद, राष्ट्रपति जी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सीजे को अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब हाई कोर्ट में जो अदर जज हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो अब यहां फिर क्या होगा, राष्ट्रपति अगेन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई प्लस उस हाई कोर्ट का सीजे प्लस उस राज्य का राज्यपाल, इन तीनों के कंसल्टेशन के बाद क्या कर देगा, अपॉइंटमेंट कर देगा। यानी सीजे में कितने का ले रहे थे? सिर्फ दो का। सीजे में राष्ट्रपति जी एक तो सीजीआई और दूसरा उस स्टेट के गवर्नर, इन दोनों के कंसल्टेशन से कर रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट के अदर जज में तीन आ गए। कौन कौन? एक तो सीजीआई कॉमन है, वही है ही, गवर्नर भी है, प्लस उस हाई कोर्ट का सीजे मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? तो ये अपॉइंटमेंट का मामला हो गया। अब अपॉइंटमेंट के बाद आ जाइए उनका क्वालिफिकेशन, योग्यता, कौन हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ये हम लोगों को बताएंगे आज विकास यादव जी। स्टार्टिंग से शुरू करो, क्या योग्यता चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? गुड, वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या, भारत का नागरिक हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। गुड। दस साल तक भारत में कहीं भी न्यायिक पद पर हो, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया होल्ड जुडिशियल ऑफिस, तो कहीं पर भी वो क्या है, 10 साल तक वकालत, सॉरी जज के रूप में इंडिया में कोर्ट में रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या इंडिया के किसी भी कोर्ट में, कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम। हाँ, और कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत का एक्सपीरियंस हो, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी था और ये हाई कोर्ट के लिए भी है। हाँ, सिविल कोर्ट का तो नहीं बन सकता क्या? सिविल कोर्ट का अगर कोई जज होता है, कोर्ट देखो, कोर्ट क्या होता है ना, क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, कई कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कंडीशन कहा गया है कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी भी कोर्ट का हो, लेकिन कितने साल का? 10 साल का। और 10 साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कोर्ट में काम किया है एज ए जज, तो आप हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकते हैं। किसकी सलाह से? सीजे प्लस गवर्नर की सलाह से राष्ट्रपति जी करेंगे। क्लियर? तो क्वालिफिकेशन क्या हो गया, पहला क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो। बांग्लादेशी नागरिक नहीं बन पाएगा, नेपाली बन पाएगा क्या? नहीं, भारत का नागरिक। दूसरा कंडीशन, पागल दिवालिया हो? नहीं। अच्छा, नहीं हो, गुड, तो पागल दिवालिया ना हो। तीसरा कंडीशन क्या है, कम से कम इंडिया के किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक न्यायिक पद पर रहा हो। चौथा कंडीशन क्या बताया जा रहा है, कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत का अनुभव रहा हो, तो वो क्या बन सकता है? और साथ ही साथ उसके नाम की सिफारिश कौन किए हो, उस राज्य का राज्यपाल प्लस हमारे सीजीआई और साथ ही साथ उस स्टेट का हाई कोर्ट का सीजे, ये लोग सब करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। अब आगे आओ, सैलरी, वेतन। सैलरी में क्या देखोगे, हाई कोर्ट के जजों को हम लोग कितना देते हैं सैलरी, तो जो सीजे है मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको हर महीने 2,50,000 रुपये, और जो अदर जज हैं अन्य न्यायाधीश उनको कितना मिलेगा, 2,25,000 रुपये। क्लियर सैलरी। अब आ जाओ टेन्योर, कार्यकाल। तो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट का जज कितने साल तक रहता है, 65 साल, और हाई कोर्ट का कितना होगा, 62 साल। अब हाई कोर्ट का जज अपने रिटायरमेंट के बाद, वो जिन जिन हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया है उन हाई कोर्ट को छोड़कर दूसरे हाई कोर्ट में तो लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, बट जहां जहां वो जज के रूप में अपॉइंट हुआ है उन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, यानी इनके प्रैक्टिस पर बैन लगाया गया है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट का तो पूरे इंडिया में लीगल प्रैक्टिस पर क्या है, बैन है सुप्रीम कोर्ट के जज का, लेकिन इनका जिन जिन स्टेट में आपने जज के रूप में काम किया, आप जज बने हैं जिन जिन हाई कोर्ट में, वहां नहीं करोगे, उनको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में कर लो या देश के दूसरे हाई कोर्ट में आप कर सकते हो। ट्रांसफर में आइए, अब हम लोग कई बार सुनते रहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, उसी तरह गुजरात हाई कोर्ट के जज को बिहार हाई कोर्ट का क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ट्रांसफर होता रहता है,
पंजाब से हरियाणा या आपके पंजाब हरियाणा दोनों का क्या है, ज्वाइंट है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज को कहां भेज दिया गया, तो भेज दिया गया उत्तराखंड, उत्तराखंड वाले को कहां भेज दिया गया बिहार, बिहार वाले को कहां भेज दिए बंगाल। तो ये ट्रांसफर चलता रहता है, कौन करेगा ट्रांसफर, राष्ट्रपति ट्रांसफर अगेन राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की सलाह पर करेंगे, हाँ सीजीआई की सलाह पर कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी। क्लियर, अब आगे आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वजह से किया जाता है क्या ट्रांसफर। अब देखो ये जो जुडिशरी सर्विसेज में ये लोग हैं जो हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट में क्या है, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में तो आप जाओगे ही ना, ट्रांसफर तो होगा, तो ट्रांसफर क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आप सारे इंडिया के जितने हाईकोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से कहीं ट्रांसफर नहीं करोगे क्योंकि वो संघीय न्यायालय है, लेकिन राज्यों में क्या है हाईकोर्ट है, तो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में तो ट्रांसफर होगा ही ना, और वो एक प्रोसेस है, क्या आप कंटिन्यू एक हाईकोर्ट में नहीं रहेंगे, आपको एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर करते ही रख सकते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर हम लोग नहीं करते, वो सुप्रीम कोर्ट में ही है। क्लियर, अब आइए पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की शक्ति और क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहला क्षेत्राधिकार जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा था ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या था, जब कोई ऐसा मामला हो, ऐसा कंट्रोवर्सी हो, ऐसा विवाद हो जो दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच का था, या एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरे तरफ वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट थे, मामला सीधे कहाँ जाता था, सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह हाई कोर्ट के पास भी क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें कौन से मामले आएंगे, तो आप कहोगे सर विवाह यानी मैरिज, तलाक, डाइवोर्स, उसके साथ साथ वसीयत जिसको हम लोग कहते हैं विल, इसके साथ साथ और क्या, कंपनी एक्ट और एमपी एमएलए का इलेक्शन से रिलेटेड विवाद, कंट्रोवर्सी, ये सारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसका है, हाई कोर्ट का। मान लो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में क्या हो गया, विवाद हो गया, रेनू भी खड़ी है और मोनिका भी खड़ी है उत्तराखंड से, ये दोनों किसका इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमपी का, और इलेक्शन में ये पता चला कि जो ईवीएम मशीन है उससे छेड़छाड़ करवाई थी कौन, रेनू, और ये मोनिका को हरा दी 500 वोट से। अब ये मोनिका क्लेम करेगी इलेक्शन कमीशन को भी करेगी, और साथ ही साथ ये हाई कोर्ट में क्या कर सकती है, एक आपको पेटीशन भी दे सकती है, एक याचिका भी दे सकती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर ये रेनू ने मुझे क्या किया, 500 वोट, हाँ ये मुझे जो है भ्रष्टाचार का प्रयोग कर या पक्षपात कर या छेड़छाड़ कर ईवीएम मशीन से मुझे हराई है, तो मामला सीधे कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आएगा। उसी तरह एमएलए इलेक्शन का विवाद है वो भी सीधे कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। लेकिन इंडिया में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का विवाद है कहाँ जाएगा डायरेक्ट मामला, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। जैसे आर्मी से रिलेटेड कोई विवाद है वो आर्मी कोर्ट ना, पहले आर्मी कोर्ट जाएगा, पानी जाता तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट। अब देखो आर्मी का जो भी कोर्ट मार्शल का मामला होता है ना वो राष्ट्रपति साहब भी देखते हैं, लेकिन पहले तो आर्मी कोर्ट देखेगा। इसमें जो एडमिरल्टी का इसमें दे रखा है कि नौसेना का जाएगा लेकिन हाई कोर्ट में, हाँ उसमें जा सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग पावर एंड ज्यूरिडिक्शन में। तो सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या कहोगे, जितने भी डिस्प्यूट हैं जो विवाह संबंधी, शादी से मामला, शादी का मामला है, तलाक का मामला है, वसीयत का मामला है, कंपनी एक्ट का मामला है, नौकाधिकरण जो वो कह रहे हैं, जो नेवी का मामला, ये सारे जो मामले हैं वो सीधे कहाँ आएंगे, हाई कोर्ट में। और साथ ही साथ इसमें आप क्या कहोगे, एमपी एमएलए के इलेक्शन का कंट्रोवर्सी विवाद भी कहाँ आएगा, हाई कोर्ट में। तो ये क्या हो गया ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। दूसरा आइए अपीलाइट ज्यूरिडिक्शन। अपीलाइट को हिंदी में क्या कहेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार। उस स्टेट के, मान लो हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में। पटना हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी केसेस हैं, चाहे वो क्रिमिनल केस है, चाहे वो सिविल केस है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, उन सारे केस के अगेंस्ट हायर अपील कौन सुनेगा, पटना हाई कोर्ट। क्लियर, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज ने किसी को क्या किया, फांसी की सजा दे दी मान लो, या 7 साल से ज्यादा उम्र कैद की सजा दे दी, तो ऐसे में क्या होगा, वो फैसला कौन देखेगा फिर, हाई कोर्ट। मैंने कल भी बताया था जब तक हाई कोर्ट फैसले को सुनना ले तब तक फांसी की सजा पर तामील नहीं की जाएगी, अमल नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी क्रिमिनल केस में भी हायर अपील आप हाई कोर्ट कीजिए, सिविल केस है उसमें भी हायर अपील कीजिए, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केस है तो भी आप हायर अपील कहाँ कर सकते हैं,
हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हायर अपील कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो ये अप्लाइड कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स कह लो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। इंडिया में दो ही कोर्ट है ना, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। कल हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल हाई कोर्ट के तहत कौन हो जाएगा? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर, और आर्टिकल 226 के तहत कौन है? हाई कोर्ट। अब होता क्या है, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो कहां पहुंच सकता है? 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ, या 226 के तहत हाई कोर्ट आ जाओ, और दोनों में से पहले आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एक साथ दोनों में नहीं जा सकते हो। मान लो ऋतु के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, यहां क्या किया गया ऋतु को, इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने ऋतु को बांध के रख दिया, दो दिन से बांध के रखे हैं, और इसको निकलने नहीं दे रहे, कुछ खाने पीने नहीं दे रहे। अब इसके राइट का क्या हो रहा है? राइट टू लाइफ का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब इसकी फ्रेंड है प्रतिभा, इन्होंने क्या कर दिया, हाई कोर्ट में PIL, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह एक साथ आप नहीं कर सकते हो। पहले कहां जाना है? हाई कोर्ट, या पहले यहां चले जाओ, जा सकते हैं आप, या तो पहले सुप्रीम कोर्ट जाओ या पहले हाई कोर्ट, लेकिन दोनों जगह एक साथ नहीं। लेकिन ये प्रतिभा पहले हाई कोर्ट चली गई, तो हाई कोर्ट मामले को देख रहा है, और हाई कोर्ट कौन सा रिट जारी करेगा? हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऋतु को जो बंदी बनाकर रखे हो, बंधक बनाकर, उसको सशरीर फुल बॉडी हमारे सामने पेश करो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे। तो ये हाईकोर्ट सुन रहा है, लेकिन प्रतिभा ने कहा कि नहीं नहीं, प्रेशर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, नहीं जा सकते हैं। यानी दोनों में कहीं भी जा सकते हो आप, लेकिन एक बार में एक जगह ही, या तो पहले यहां जाओ या पहले यहां। जब तक ये मामला सुन रहा है तब तक यहां नहीं जाएंगे। अगर ये सुन लिया और आप सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आप यहां पहुंचे। क्लियर? तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक दो कोर्ट है, कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट, कौन से आर्टिकल के तहत? 32। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत? क्लियर? अब आइए, लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट भी उसी की तरह क्या है? अभिलेख न्यायालय। अब क्वेश्चन उठता है अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय के मैंने दो मीनिंग बताए हैं। पहला मीनिंग अभिलेख न्यायालय का होता है कि ये कोर्ट जो फैसला देता है, उन फैसलों को एज ए रिकॉर्ड, एज ए साक्ष्य क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहखाने में पहुंचोगे ना आप, कई सारी फाइलें, सालों साल पुरानी फाइलें रखी हुई हैं। क्यों रखें? वो क्या है? रिकॉर्ड है। यानी किसी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, LGBT इज लीगल, इंडिया में लीगल है वो। अब कोई भी कोर्ट के पास ये जाएगा मामला, ऐसा केस, वो क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट LGBT इज लीगल इन इंडिया। या इच्छा मृत्यु, इथोनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जो पैसिव इथोनेसिया है, यानी एक्टिव को अलाउ नहीं किया है, लेकिन पैसिव इथोनेसिया क्या इंडिया में? लीगल है। आप अपनी इच्छा से मर भी सकते हैं, लेकिन कौन सा मृत्यु? पैसिव इथोनेसिया। तो अब मान लो ऐसा इच्छा मृत्यु का पिटीशन हाईकोर्ट में गया, अब हाईकोर्ट कह सकता है क्या कि नहीं 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 मर सकते हो? अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथोनेसिया को माना है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्या चाह रहा है, मरना चाह रहा है, तो उसको मौत, मृत्यु को प्राप्त करने का या मौत को प्राप्त करने का भी क्या मिल जाएगा? अधिकार मिल जाएगा। अब यह पैसिव होता क्या? मैं बता रहा हूं आपको, नहीं ये सुसाइड नहीं है ना। देखो इथोनेसिया इच्छा मृत्यु क्या होती है, ऐसे जैन धर्म में संथारा का प्रचलन है। संथारा क्या होता है? अपनी इच्छा से मरना, तो वो धार्मिक है। लेकिन यूरोप के कई देशों में और अब इंडिया में भी हम लोगों ने इथोनेसिया को परमिशन दे दिया। इथोनेसिया बेसिकली होता क्या है, तो आप ये कहो इच्छा मृत्यु, जब कोई क्या हो जाए, बेड में पड़ा हुआ है कोमा में पिछले कई सालों से, उसका बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, और डॉक्टर एंड मेडिकल साइंस कह रहे हैं कि अब इसकी बचने के कोई चांसेस नहीं है, और साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो अपने लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अब इनको क्या कर दिया जाए, इनको मुक्ति दिला दी जाए, ये स्वर्ग चले जाएं, तो ऐसे में वो पिटीशन देगा कहां? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और क्या पाना चाहेगा? इच्छा मृत्यु। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
अरुणा सानबाग के मामले में कि हाँ ठीक है इंडिया में क्या दे दिया जाए, पैसिव इथोनेसिया दिया जा सकता है। अब पैसिव होता क्या है, एक्टिव इथोनेसिया में क्या होता है, जहर का इंजेक्शन लगाओ मार दो तड़पते हुए मर जाएगा, लेकिन पैसिव इथोनेसिया में क्या होगा, जहर का इंजेक्शन नहीं लगेगा। जो लाइफ सपोर्ट है जैसे वो वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर हटा लीजिए, ऑक्सीजन हटाइए, जो लाइफ सपोर्ट है वो धीरे धीरे हटाइए, तो तकलीफदायक मौत नहीं होगा। और एक मौत क्या है, जहर का इंजेक्शन दो फांसी लगाओ मर जाएगा, लेकिन यहां क्या पैसिव, और पैसिव कब, जब उसके फैमिली मेंबर चाह रहे हैं, जब मेडिकल टीम, मेडिकल साइंस, डॉक्टरों की टीम ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इसका चांसेस बचने का नहीं है, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, पैसिव कर सकते हैं। तो पैसिव इथोनेसिया हमारे यहां क्या है, लीगल है, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब ये पूरे इंडिया के कोर्ट के लिए, इंडियन टेरिटरी के कोर्ट के लिए एक नजीर बन गया कि भैया अब जब ऐसा कोई मामला आएगा तो आप इथोनेसिया का परमिशन दे सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन उस कोर्ट की अवमानना करे, कंटेम करे, उसकी मान हानि करे, तो कोर्ट उसको क्या दे सकता है, पनिशमेंट, सजा, दंड, जो 6 महीने का जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। क्लियर हो गया। तो ये है आपका हाई कोर्ट, तो ये आपका हाई कोर्ट, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो हाई कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्ट समझ गए, सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ लिया हम लोग, अब क्या पढ़े, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कहाँ होता है इंडिया में, जिला लेवल पे।